बात करेंगे भारत में बुलेट ट्रेन का जो मॉडल है उसका नाम है E5। ये आपको याद रखना है E5 मॉडल। ये आपको पता होगा कि भारत में बुलेट ट्रेन की सप्लाई का जिम्मा किसे मिला है, जापान। और जापान ने इसमें जो ZNET8 कंपनी है और ये कंपनी काम कर रही है। आप ये भी जानते होंगे कि अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है ये शुरू की जाएगी। और भारत के क्लाइमेट के हिसाब से जब क्लाइमेटिक कंडीशन को देखेंगे तो विंटर में तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन समर सीजन में भारत में लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत से शहर का तापमान हो जाता है। इसे लेकर E5 मॉडल जो है बुलेट ट्रेन, इसकी शुरुआत की जा रही है जापान में टोक्यो और याबुकुबा। ये तीन ऐसे प्रांत हैं जहाँ बुलेट ट्रेन को बनाया जाता है। तो यहाँ ऐसे भारत की अच्छी खासी एक टेक्नोलॉजी भी लाने की योजना है। जापान द्वीप है और बहुत से आइलैंड हैं यहाँ पर। इसके सबसे नॉर्दर्न प्रांत जो है उसको होकाइडो आइलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है जापान की वो रहती है होन्सू प्रोविंस, और होन्सू वहाँ का काफ़ी फेमस आइलैंड है। और उसके बाद सीकोकू का नंबर आता है और एक छोटी आइलैंड है वहाँ पर क्यूसू रिकुसू। तो रिकुसू जो है वहाँ पर ही अमेरिका का एक नेवल पोर्ट, उसका नाम है ओकिनावा। ये रिकू आइलैंड है, आप जब जापान का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर में होकाइडो है, उसके नीचे होन्सू है, उसके नीचे क्यूसू, फिर है सीकोकू और तब जा करके है रिकू आइलैंड। तो रिकू आइलैंड में ओकिनावा है। ये भी आपको करेंट इवेंट में जानना चाहिए। जापान की मुद्रा को आप जानते होंगे, वहाँ की मुद्रा को येन कहते हैं। और जापान से भारत ने टेक्नोलॉजी को आयात किया है। कई गाड़ी बनाने वाली कंपनी आप नाम अक्सर सुनते होंगे, सारी जापानी कंपनी भारत में काम कर रही है। ऐसे ही करेंट अफेयर्स पर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। नमस्कार।